डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है गामा के बारे में मैंने क्या बताया था जब हमें एक से ज्यादा लोगों का इंतजार करते हैं है ना और एक्सप्लेनेशन बारे में क्या बताया था जब एक है ना इधर देखो बोर्ड पे ये पीडीएफ है ये एक्स है ये जीरो लॉस है ये ये एक्सपोनेंशियल है ये गामा है क्या फर्क है दोनों में ये टेल देखो टेल यहां पर टेल को देखो इस टेल को ये टेल बहुत थिन है ना थिन और ये बहुत थिक है ना हैवी टेल बोलते हैं इसको कैसी टेल बोलते हैं हैंवी या थिक टेल बोलते हैं अच्छा इसको थिन टेल बोलते हैं ये. थिन टेल है. समझ ना प्लीज ज्ञान दे रहा हूं आज आपको मैं थिन टेल दोनों ही कर्व की दोनों की टेल टुवर्ड्स राइट एंड साइड है तो दोनों पॉजिटिवली स्क्यूड है कैसे स्क्यूट है बेटा पॉजिटिवली खींचे गए इस तरफ को तो लॉस जीरो से कहां तक जाता है इनफिनिटी तक लार्ज अमाउंट ऑफ लॉस कम क्वांटिटी में आता है ना हमेशा तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको मॉडल करता है कोई एक लार्ज लॉस को मॉडल करता है लेकिन गामा एक से तो ये टेल थिक होगी कि नहीं होगी बताओ क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो अगर मैं अल्फा को वन कर देता था तो एक्सपोनेंशियल बन जाता था तो यहां गामा है क्या वास्तव में एक्स फॉलोस गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर अल्फा एंड लैम्डा ये पैरामीटर्स होते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन के ठीक अल्फा क्या बात करता है नंबर ऑफ क्लेम्स

इंटीजर तो आप जब भी सोचेंगे अल्फा क्या सोचेंगे कितने लोग करूंगा मैं कर सकता हूँ जीरो वन टू थ्री फोर जीरो का ही नहीं सकता होगा और वन से ज्यादा का हो गया थो? तो गामा की शेप कैसी होती है बेटा पॉजिटिवली स्क्योर्ड टेल कैसी होती है उसकी अब, जैसे -जैसे लाम्डा, लाम्डा होता है क्लेम रेट लैमडा क्या होता है जैसे जैसे क्लेम रेट बढ़ेगा ये टेल और हैवी होती जाएगी कि नहीं बढ़ेगी अरे बोलो भाई एज लैमडा इंक्रीजेस है ना तो क्लेम साइज ऑल्सो इंक्रीजेस अरे ठीक है ऐसे ही बात करता हूं अब आ जाओ बोर्ड पे गामा का फॉर्मूला बनाना सिखा दिया था हाँ तो क्या था फॉर्मूला लैमडा की पार गामा अल्फा एक्स की पार ई की पार, पार माइनस एक्स किससे बड़ा है और अल्फा लैमडा भी दोनों जीरो से बड़े हैं मीन क्या था इस डिस्ट्रीब्यूशन का बेटा अल्फा बाय बायडा वेरिएंस क्या था बेटा अरे जीरो से बड़ा होना चाहिए लेकिन अल्फा अगर वन हो जाएगा देखो अभी सिखाया ना बेटा ये गामा को मैथमेटिशियंस भी यूज करते हैं गामा कौन भी यूज करते हैं बेटा मैथमेटिशियन तो जीरो से बड़ा लूंगा तो जीरो पॉइंट फाइव भी तो हो सकता है ना गामा मैथमेटिशियंस लेकिन फॉर अस गामा अगर जीरो से बड़ा क्या होगा वन टू थ्री फोर हाँ ठीक है? है इसका लैमडा अपॉन माइनस टी की पार अल्फा ये कब होगा जब लैमडा माइनस टी किससे बड़ा होगा जीरो से टी क्या है यहाँ पर टाइम मॉड मॉड होता है बेटा इसका अल्फा माइनस वन बाय ये तभी होगा ना जब अल्फा वन से बड़ा होगा तो दिस इज पॉसिबल अल्फा इज़ तो मतलब मॉड सिर्फ गामा का होता है एक्सपोनेंशियल का मॉड नहीं होता ठीक एग्जाम में किसी क्वेश्चन के अंदर मान लो मॉड यूज हो रहा है मोड की आपको एक एक्चुअल टेबल मिलता है उसमें सारे फॉर्मूले होते हैं ना उसमें मॉड नहीं होगा तो अगर एक्चुअल टेबल में कोई फॉर्मूला नहीं है तो आपको मैंने बता दिया लेकिन एग्जाम में चार नंबर का क्वेश्चन आया था इस बार मोड पे तो बच्चों को मोड डिराइव करके दिखाना पड़ेगा और फिर मोड यूज कर सकते हैं वो भाई हम तो स्पीड बढ़ाते हैं हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए मोड का तो आप फटाक से टिक कर दोगे टाइम बचेगा ना आपका भाई कम से कम चार से पांच क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं यार तो कुछ भी पूछ सकते हैं हम तो शॉर्टकट बताते हैं पर मार्क्स भी देख लो चार नंबर में बोल रहा है तो मोड निकालना है चार नंबर में मतलब इसका मतलब देन हाँ डिराइव करके दिखाना पड़ेगा और आंसर लिखना पड़ेगा फिर अपना मीडियन अभी बताएंगे आपको अब बात हमारी लास्ट क्लास में शुरू हुई थी सी पे राइट right? तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन की क्यूमलिटी प्रोबेबिटी सीडीएफ देर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर सी राइट प्लीज क्या लिख लिया था देर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द सी डी एफ बट वाई वी नीड सी डी एफ प्लीज टेल मी एनी वन सी डी एफ की बिकॉज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है इंटीग्रेट और हम लोग आलसी नहीं है, हमें. हमें, हमें में है. है यूनिफॉर्म का सीडी बता दिया एक्सपेंडिचर का बता दिया बायनोमल टेबल से क्वेश्चन दिखाया नहीं दिखाया मैंने आपको मैं तो काम मेहनत तो करवाई नहीं रहा आपसे तो हमें मेहनत अब आगे भी नहीं करनी है हमें स्मार्ट वर्क करना है तो कैसे करेंगे देखिए आप। फंक्शन बार बार बोलना है याद चाहिए हमारे फंक्शन फंक्शन सब मीन वेरिएंस और आप लोग तो कोशिश करना आप अगले टेस्ट जो भी होंगे ना ऑफलाइन बैठ के देना बेटा गलती होगी फेल होगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा पर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्या कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो ऑफलाइन और ऑनलाइन जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब ज़मीन आसमान का मुझे नहीं लगता मेरा ऑफलाइन का एक भी बच्चा फेल होगा एक भी सिंगल भी लेकिन ऑनलाइन का मैं गारंटी नहीं दे सकता तो ये बात हमने कर ली है मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं प्लीज क्योंकि मुझे कुछ बताना है अगर मैं इस सारे के अंदर अल्फा को वन कर दूं तो एक्स कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा करके देखो अल्फा को वन रख यहां पर जरा बेटा बता फंक्शन क्या आएगा अल्फा को वन रख बस तू लैमडा की पार वन गामा वन वन होता है ना बेटा और एक्स की पार जीरो हो जाएगा बेटा अरे यही तो बनेगा मीन मीन देख वेरिएंस हाँ मीन का स्क्वायर होता है ना और एम एक्स थ्री देख एमएक्स गलत किया है मैंने यहाँ पर बता तो देख रहे हो मुझे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा अब एक्स टी तो पता चल गया ना अल्फा को वन कर देंगे हम लोग अच्छा क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक प्रॉपर्टी 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 होती होती है होती है यूनिकनेस कौन सी अगर किसी भी का MXT लिखूं, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन पहचान, कि तो कि पहचान सकते हो तो इकलॉती स्टेटमेंट होती है ये वाली एक्स फोलोज एफ ऑफ एक्स If and only if एम एक्स टी इज दिस अगर x का फंक्शन ये है तो ये उसका एम एक्स टी है अगर ये एमएक्स टी है तो ये फंक्शन है उसका इफ एन ओनली इफ का मतलब आना जाना फ्री उस रोड पे आप जा भी सकते हो और जा भी सकते हो भाई अरे यहां तक क्लियर है अब आ रहा है भाई अक्षय कुमार इसका नाम है अक्षय कुमार का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ये कॉमेडी स्टंट ड्रामा सब करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे पेपर में छाया रहेगा पता नहीं क्या क्या करता है ये DF, DF का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ का मतलब क्या बोला मैंने बेटा वट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले इसी पे चर्चा करते हैं वट डू मीन द वर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे अभी एक उदाहरण देता हूं आपको अभी के अभी उदाहरण क्लास में ग्यारह बच्चे बैठे हैं कोई भी मजाक सता नहीं कर सकते हैं मुझे नाम आ, या बोलना नहीं है मुझे नाम याद आ रहा है बच्चों का देखो अभी अभी आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हो जाएगा ये क्या नाम था रानू ठीक है श्रिया चारवी परिधि पर, 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 और रोहित पीछे है रोहित नहीं है ना आपका नाम क्या बेटा कमल अच्छा नहीं अब जैसे बहुत सारे बच्चों का नाम मुझे नहीं पता तो कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लास में किसी का भी नाम लेके शता कर सकता है कि नहीं कर सकता अब ग्यारह में से मुझे सिर्फ दो के नाम पता है मान लो तो बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं जिनका नाम नहीं पता वो कितने हैं फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्री वेरिएबल्स फ्री वेरिएबल्स मुझे उनका नाम ऐसे वेरिएबल्स जिनको भी कोई वैल्यू नहीं दी हमने कोई भी वैल्यू वो फ्री है कुछ भी रख दो उनकी वैल्यू अभी रखी नहीं है लेकिन आपका समझ में आ गया आपका सैंपल है ग्यारह बच्चों का आप लोगों ने मुझे बोला सर हमारे एवरेज मार्क्स है हमारे एवरेज मार्क्स तो, तो मैं सोचा कि यार इस क्लास के बच्चों के एवरेज मार्क्स सेवेंटी है तो किसी एक बच्चे के मार्क्स तो एवरेज पे आएंगे अरे बोलो तो इसका मतलब मुझे एक के मार्क्स तो पता है तो कितनों के नहीं पता तो कितने फ्री हो गए वो अपने मार्क्स किसी भी तरह से इंटरचेंज करके बता सकते हैं कीपिंग इन माइंड की एवरेज सेवेंटी भाई एवरेज तो मैच करनी है तो सर पे रेपुटेशन कर... किसी बच्चे के मार्क्स कम भी हो गए तो उसकी रेपुटेशन खराब नहीं होगी पता नहीं चलेगा सर को बिकॉज यू हैव अ फ्रीडम आपको अपने मार्क्स कुछ भी लिखने की फ्रीडम है बस सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि एवरेज सेवेंटी परसेंट रहना चाहिए अच्छा आप सैंपल थे ग्यारह बच्चे तो आपने मुझे क्या बताया था एवरेज मार्क्स मैंने क्या मान लिया कि किसी एक बच्चे के मार्क्स तो किस पे आएंगे 70 आएंगे एवरेज आएंगे तो 11 में से कितने फ्री रह गए 10 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादातर n 1 होता है क्या होता है बेटा तो सैंपल साइज n है सैंपल साइज क्या है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है n 1 एक कम करके होता है अरे आई बात समझ में हां तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नंबर है जैसे दस ग्यारह बारह पंद्रह एक नंबर है ये भी एक ठीक है फिलहाल इसको न्यू से डिनोट किया न्यू ये न्यू है बेटा न्यू अब ये यह स्क्वायर पहला काम बहुत अक्षर कुमार है बहुत कुछ करता है ये सबसे पहला काम क्या करता है ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी सी डी एफ अभी तो कॉन्टीन है तो सी डी एफ चाहिए ना बेटा कौन बार बार इंटीग्रेट करेगा बाई बाईपार्ट लगेंगे इसमें तो तो इसकी क्यूमुलेटिव पॉलिटिव बताता है किसकी गामा की तो पहला काम क्या करता है बेटा ये बोलो मेरे बच्चों हां टू फाइंड टू फाइंड क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गामा डिस्ट्रीब्यूशन अरे पहला काम समझ में आ गया इसका पर सर कैसे करता है वो बताओ तो सही मैं जी बताते हैं तो पहला काम है ऐसे बहुत सारे काम करेगा ये अक्षय कुमार की तरह छाया रहेगा तो इसका नाम इस देने से आपको फायदा बाद में पता चलेगा आज नहीं पता चलेगा थोड़े दिनों बाद पता चलेगा चलिए देखिए अगर मैं ऐसा करूं इस गामा के अंदर मैं ये काम कर दूं अल्फा को लिख दूं ध्यान से देखना प्लीज न्यू डिवाइडेड बाय टू और लैमडा को लिख दू वन बाय टू तो ये बन जाएगा स्क्वायर विद न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम जरूर नहीं न्यू रखो दस भी रख सकते हो न्यू को आप पंद्रह रख सकते हो बीस रख सकते हो तो अभी फिलहाल न्यू रख रहे हैं एक स्टैंडर्ड नोटेशन बनाने के लिए तो चलो लेट अस मेक द फॉर्मूला पहले फॉर्मूला बनाते हैं काई स्क्वायर का बनाए भाई शुरू करें फॉर्मूला तो अल्फा क्या रखो बताओ न्यू बाय और लैमडा को मेरे साथ देखो लैमडा की पार अल्फा अपॉन गामा अल्फा एक्स की पार अल्फा माइनस वन ई की पार लैमडा एक्स क्या फंक्शन बन गया ये किसका फंक्शन हो गया बेटा जिसकी हमें कतई जरूरत नहीं है बस बना दिया यू नेवर नो एग्जामिन में पर जरूरत नहीं पड़ती इसकी वट इज द मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन मेरे बेटा गामा का मीन क्या है और अल्फा को क्या रखेंगे हम अल्फा को न्यू बाय टू अल क्या रखेंगे आंसर क्या आया तो मतलब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वही मीन है अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम टेन होगा तो मीन भी क्या होगा टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन तो मीन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वही मीन हो गया ना बेटा वेरियंस बताओ वेरियंस मेरे बच्चे क्या फॉर्मूला कामा का गामा का तो अल्फा अल्फाज क्या रखो बेटा न्यू बाय और की मेरे बेटा क्या क्या ये न्यू आ रहा है क्या इसको सिर्फ डीएफ बोल देता हूं और इसको ट्वाइस डी एफ बोल देता हूं कि नहीं चलेगा तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वही मीन है और डिग्री ऑफ फ्रीडम का ट्वाइस क्या है बेटा वेरियंस अब आ जाओ एमजीएफ पे गामा का क्या होता है मेरे बेटा टीकी पार अल्फा क्या रखूं और लैमडा क्या रखूं ओके okay बेटा वन बाय टू वन बाय टू और ये क्या हो गया मेरे बेटा न्यू बाय टू अब इसको सॉल्व करके क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं बताइए जरा ठीक सो दिस इज द एमजीएफ ऑफ का स्क्वायर विद डिग्री फ्रीडम वॉट न्यू न्यू किसका कॉफिशंट है माइनस हाफ न्यू किसका कॉफिशंट है तो एमजीएफ में पावर में अगर माइनस हाफ के कॉफिशेंट को आप क्या बोलोगे डिग्री ऑफ मान लो माइनस एट है पावर में क्या है बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी सिक्सटीन मैंने क्या बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है एट ठीक तो आपको वन बाय टू चाहिए और इंटू टू भी करोगे तो सिक्सटीन वाणी डिग्री फ्रीडम नहीं समझ में आया अगर पावर में ट्वेंटी है पावर में ट्वेंटी अरे माइनस वन बाय टू न्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी तो बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ अरे फोर्टी माइनस में तो होगा ही नहीं माइनस को छोड़ दो फोर्टी आएगा ना तो जो भी आप वैल्यू होगी उसका ट्वाइस होगा ना टी फ्रीडम और टी का कोफिशेंट क्या होगा माइनस टू ये शक्ल एग्जैक्टली exactly मिलनी चाहिए अगर नहीं मिलेगी तो गड़बड़ है तो ये टू कब आएगा जब मैं लैमडा को क्या रखूंगा वन बाय टू और लैमडा को वन बाय फोर रखू तो ये टू नहीं आएगा तो एक का स्क्वायर का एम तब जब का काफ में तो भी नहीं होगा अरे किस पे बनेगा हाँ। अल्फा तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि अगर न्यू टेन तो अल्फा फाइव न्यू ट्वेंटी तो अल्फा टेन अरे है ना लेकिन लैमडा तो है क्या रहेगा हमेशा फिक्ष्ट? नहीं समझ में आई बात अभी बताएंगे सब ज्ञान बहुत सारा लेंगे अभी वी जस्ट स्टार्टेड उतारो पहले सब लोग क्या चीज बेटा हमें किसकी किसकी क्यूनिटी प्लटी निकालनी है गामा की कौन निकालने में हेल्प करेगा हमारी काई स्क्वायर तो पहले मैं स्क्वायर बना रहा हूं फिर निकालूंगा अभी देखना तो मज़ा आ जाएगा about okay, okay. Mod. Next page page page. So we, we we just started with chi square distribution. So x follows chi square with n minus one degree of freedom. What is the mean of chi square with n minus one It is what is the variance? Twice. What is the m x t? वन माइनस की पार इन करेक्ट है बेटा व्हाट इज द मोड मॉड क्या था बताओ अल्फा माइनस वन बाय लैम्डा ना अल्फा क्या था लैम्डा क्या था तो क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस टू आ रहा है आंसर अरे बोल बेटा तो क्या डिग्री ऑफ़ फ्रीडम माइनस टू इस द मॉड यस और नॉट तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम इस क्वेश्चन में तो व्हाट इज़ द मॉड थैंक यू अरे गल समझ आ गई रुको रुको इधर इधर रुक जाओ इधर आओ सारे बच्चे एक्स फ़ोनोस का स्क्वायर विद टू डिग्री फ्रीडम सो व्हाट इज़ द मी टू वट इज द वेरियंस फोर वट इज द एम जी एफ अरे टू डिग्री टू से टू कट जाएगा वो वट इज द मॉड डिग्री ऑफ फिटम माइनस टू अरे मॉड एग्जिस्ट नहीं करेगा ना अरे समझे कि नहीं तो टू लिखा मैंने जाना मुझके क्यों लिखा समझाऊंगा थोड़ी देर में अभी अब एक्स स्क्वायर एट वट इज द मीन एट वट इज 16 वट इज एम एक्स टी टू टी की पार अरे एट आएगा ना वट इज द मॉड डिग्री ऑफा माइनस टू ना डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 16 माइनस टू इज वॉट एट था क्या हाँ सॉरी एट माइनस टू सिक्स इज द मोड ना बेटा ठीक है और काई स्क्वायर की शेप उतारो पहले चलो फिर शेप बताता हूँ ये प्रैक्टिस कराइए बस मैंने आपको थोड़ी सी कि याद हो जाए एट अच्छा मैं गलती सोलह सोच लिया एट तो मतलब ये पार में क्या हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर का मॉड होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस टू तो मॉड कब एग्जिस्ट करेगा जब डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन से बड़ा होगा जब तीन से तो बताओ का स्क्वायर का मॉड कब एग्जिस्ट करेगा ये क्यों बताना पड़ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे वो आजकल पूछने लग गया ना वो इन छोटी छोटी चीजें भी हम्म पर हम ये का स्क्वायर पे पहुंच गए हमने तो क्या शुरुआत की थी बताओ गामा का सी डी एफ तो कहीं बात डिस्कस हुई नहीं अभी तक वो भी तो करनी है डिस्कस है ना चलिए देखिए गामा का सी डी एफ हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एफ एक्स म्यूट होना पड़ेगा म्यूट ही है सब एक्स एक्स फोलोज गामा अल्फा लैमडा देन देन टू लैमडा एक्स फॉलोज का टू अल्फा अब यहां पर अल्फा को क्या लिखेंगे बताओ न्यू बाय टू ना लिखो अल्फा को न्यू बाय टू तो क्या बना न्यू और लैमडा को हाफ रखो तो क्या बना मतलब एक्स बन गया ना तो एक्स का स्क्वायर न्यू को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा तो एक्स का स्क्वायर न्यू न्यू को 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 कब फॉलो करेगा बताओ जब अल्फा को न्यू टू और को तभी तो करेगा ना सिर्फ अदरवाइज उदाहरण 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 क्या आपके पास एक्चुअल टेबल है अगर फोन में है तो निकाल लीजिए जल्दी से पेज नंबर 160 से आगे देखना है आपको काई स्क्वायर प्रोबेबिलिटीज ऑफ का प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ आई स्क्वायर मतलब 160 सिक्सटी उस पर प्रिंटेड है जो आपका शायद 174 हो सकता है फ्लैग लगा लेना जहाँ से टेबल शुरू होते हैं वहाँ फ्लैग लगा लेना लगातार हाँ तो लगातार तीन चार पाँच पेजेस पे फ्लैग लगा लो वैसे वन सिक्सटी फोर एच क्योंकि बार बार चाहिएगा आपको ये फ्लैग अलग अलग कलर के लग जाते हैं क्या हम्म लगा हुआ है मिला बेटा देखो काई काई प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्क्वायर मिला है ना आ, उससे पीछे जाओ थोड़ा प्रोबेबिलिटीज ऑफ काई स्क्वायर से पीछे क्या परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है टी डिस्ट्रीब्यूशन उससे पीछे जाओगे तो और उससे पीछे प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉर्मल बहुत बढ़िया यहां से आपका टेबल स्टार्ट होता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल फिर आता है परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल फिर आता है परसेंटेज ऑफ टी फिर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ काई स्क्वायर फिर आता है परसेंटेज ऑफ काई स्क्वायर फिर आता है एफ एफ के तीन टेबल आएंगे 10% 5% 2.5% 1% 4 आएंगे सॉरी फिर पॉइसन आएगा आया पॉइसन फिर आएगा और लास्ट में यूनिफॉर्म आएगा देखना सबसे लास्ट पेज पे 190 पे आपकी चॉइस है मुझे तो आपकी देखो आप। इसमें जूम कर सकते हो थोड़ा चीजें फायदे हैं इतना ज्यादा यूज होगा नहीं क्योंकि अगर तुमने टेबल ले लिया तो फिर मेरे से फॉर्मूले याद नहीं करोगे सब उसमें लिखे हैं पहले ऑफलाइन जो एग्जाम होता था तो उसमें वन नाइनटी पेज की ये एक्चुअल टेबल मिलती थी सारे फॉर्मूले टेबल सब होते थे तो एग्जाम हॉल में आपको प्रोवाइड की जाती थी गोल्डन बुक बोलते हैं उसको यूके वाले हाँ वो गोल्डन बुक मिलती है आपको ऑनलाइन तो ओपन तो 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 बुक है अब तो किताब भी आपके नोट्स भी आपके हैं तो सोचो कितना आसान हो गया है ना ओपन बुक पेपर है ना चलिए आ जाएगी ये समझ में आ गया अगर एक्स गामा को फॉलो करेगा तो टू लाइम टेक्स किस करेगा का स्क्वायर अल्फा को बोर्ड पे देखें मजा आ जाएगा देखो अभी एक मिनट में तुम्हें अभी उस टेबल का इस्तेमाल करेंगे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल वन कहते हैं सर एक्स फॉलोज गामा थ्री कॉमा हाफ फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व ये इक्वल टू तो लगाने से कोई फर्क पड़ता है कॉन्टिन्यूस है नहीं ना नहीं पड़ता ना बेटा अब एक बच्चा क्या कर रहा होगा एक बच्चा कर रहा होगा जीरो से ट्वेल्व लैमडा की पार अल्फा इंटीग्रेट कर रहा होगा वो नहीं करना ना मैं तो इंटीग्रेट तो गामा इंटीग्रेट नहीं करना तो हम इसको क्रॉस कर देंगे और हम क्या बोलेंगे आपको देखो क्या करना है इस एक्स को टू लैमडा एक्स बनाओ तो क्या मैं दोनों तरफ टू लैमडा मल्टीप्लाई कर दूं बेटा डिवाइड मल्टीप्लाई करना बोलते हैं अब टू लैमडा एक्स कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है काई स्क्वायर और ये ट्वेंटी फोर लैमडा हुआ कि नहीं हुआ बताओ अब क्वेश्चन में अल्फा कितना है थ्री तो लिखो यहां थ्री तो कितना डिग्री फ्रीडम हो गया आपका डा कितना है हाँ अब आप प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ काई स्क्वायर पे जाओगे तो ऊपर की तरफ सिक्स मिलेगा और नीचे की तरफ ट्वेल्व मिलेगा दोनों को मिलाओगे तो आंसर मिलेगा जीरो पॉइंट नाइन थ्री एट जीरो आंसर आ गया बिना इंटीग्रेशन के अभी फिलहाल के लिए आगे जाके एग्जाम बोल देता है फर्क नहीं पड़ता शुरुआत में बताते हैं तो ऐसा होता है बाद में तो वन फोर भी मिले तो भी भी मिले का लगता है अरे आया समझ में कि नहीं हम्म अब कहता है मुझे इसका मीडियन निकाल के दिखाओ क्या निकाल के दिखाना है उसका इसी क्वेश्चन के अंदर मीडियन तो मीडियन का फॉर्मूला पता है मेरे बेटा क्या होता है एक्स इज लेसल टू एम इज इकवल टू हाफ याद है तो इस एक्स को क्या बनाए बताओ ताकि का स्क्वायर बन जाए तो टू लैमडा एक्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे हो जाएगा बेटा ये अब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम टू अल्फा राइट अब अल्फा कितना है क्वेश्चन में हमारे अल्फा कितना है क्वेश्चन में थ्री सिक्स हो गया Lambda क्या है हाफ है अब काई स्क्वायर के सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाओ और ये बताओ कि किस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी पॉइंट फाइव है सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाओगे ऊपर अब आप प्रोबेबिलिटी पॉइंट फाइव किस एक्स पे आती है कोई नहीं अभी फिलहाल आसपास वाला ले लेते हैं फिलहाल क्या ले लेते हैं बेटा आसपास वाला ठीक है तो क्या मैं इसको लिख दू का तो स्क्वायर सिक्स इज लेस देन इक्वल टू तो फाइव पॉइंट फाइव की प्रोबेबिलिटी यही आएगी ना क्या दोनों को इक्वेट करूं तो एम कितना आ गया बताओ अरे कोई एक अननोन तो होगा ही ना प्रोबेबिलिटी कुछ और अननोन कर दिया अब तक प्रोबेबिलिटी अननोन होती थी अब की बार एम अननोन कर दिया प्रोबेबिलिटी दे दी उसने फिफ्टी परसेंट नहीं समझ में आया ऐसे ही तो निकालते थे यार उतारो उतारो उतार हाँ वो अप्रोक्सीमेशन है बेटा अप्रोक्सीमेशन में फर्क जब जब हम कोई चीज खुद से करने में सक्षम ना हो खुद से करने में सक्षम ना हो तो हम चीजों को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं तो उसमें वन बाय टू वन बाय फोर वन बाय सिक्स कुछ भी होगा चलेगा हाँ वन नहीं।, नहीं नहीं वन नहीं नहीं लैमडा की वैल्यू की बात हो रही है हम लैमडा की वैल्यू की बात कर रहे हैं भाई ठीक है बेटा तो ऐसी टू एक्स बनाओ और काम चलाओ अपना ठीक है अब काम की बात मैंने अभी भी क्या बताया इफ इफ एक्स फॉलोज गामा है ना विथ पैरामीटर अल्फा एंड देन टू लैमडा एक्स फॉलोज का स्क्वायर प्रूफ बताओ प्रूफ जो भी पूछेगा प्रूफ कैसे करेंगे देखो बेटा एम जी एफ बेस्ट मेथड इज एमजीएफ पर पहले रिकेप थोड़ा एम जी एफ थोड़ा बहुत ये लीनियर फंक्शन है एमजीएफ का ए प्लस बी एक्स जिसमें की एक्स प्लस बी करते हैं एक्स प्लस बी जिसमें कि ए जीरो नहीं है कहता है इसका MGF क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ e यही होता है y क्या होता एक्स प्लस बी यही होगा बेटा क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है टी ए एक्स इंटू टी बी है ना और एक्सपेक्टेशन में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ इी ए जिसको हम एमएक्स एट ए टी भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते एम एक्स एट सो दिस इज एम वाई टी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ये नहीं कोई बात नहीं आई बात समझ में पहले ये अब रुको एग्जाम पहले प्रैक्टिस करा दू अगर वाई आपका एक्स माइनस एक्स बार है तो बताओ ए क्या है इसमें बी क्या है तो बताओ एम वाई टी क्या है e टू दी टी राइट एट ना तो ए तो वन है बेटा अरे ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं बताइए ओके अगर वाई आपका टू ए एक्स है प्लस बी तो बताओ सॉरी ए लिख दिया मैंने वहां पर है कुछ और कर देते हैं टू सी एक्स प्लस डी तो बताओ ए क्या हो गया और बी क्या हो गया तो एम वाई टी का फॉर्मूला क्या होता था मेरे बेटा ई टू दी टी एम एक्स एट ए टी अरे ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं भाई अरे ऑफ़ लिनियर फंक्शन जिसने नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं ऐसे टेंशन मत लेना बता रहा हूँ मैं बेटा पढ़ा हुआ आप नहीं है पीछे बेटा आपने ये नहीं पढ़ा नहीं सबसे पीछे यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार कर रहे हो आप इसको बेटा आप आए तो थे पंजाबी बाग ओहो गाड़ी पे चल रही है अभी भी ओके चलो देखो ये इतना क्लियर हो गया सबको लिख लो चलो लिखना है तो लिख लो जिसको लिखना है लिख लो तुम्हें सेकंड सेमेस्टर में है स्टैटिस्टिक्स नहीं थर्ड में पहले सेकंड में होता था पर अब चोर अब तो आ नया कोर्स आ कोर जाएगा अच्छा तो जी स्टार्ट्स नहीं है किसी के पास जी में जी में स्टार्ट्स नहीं देते वो नहीं देते टीचर नहीं मिलता ना स्टार्ट्स के और स्टार्ट्स में कौन यार टीचर बनेगा जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतनी जॉब्स हैं तो बहुत कम बच्चे जाते हैं या तो गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं स्कूल में जब हम ट्वेल्थ क्लास में होते हैं तो जैसे मान लो कॉमर्स नहीं किसी को अकाउंट्स नहीं करना तो क्या क्या सब्जेक्ट्स और ऑफर करते हैं वो लोग अच्छा आगा। आगा। अच्छा अच्छा ह्यूमैनिटीज में क्या कर ले सकते हैं साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स मैथ्स हिस्ट्री पॉलिटिकल लीगल स्टडीज साइकोलॉजी ले सकते हैं कैसे स्कोरिंग होता है ये सब कोर सब्जेक्ट में आता है साइकोलॉजी ऑनर्स की नहीं मैं आई रियली वांट उसको मिल रहा है मेरे बेटे को साइंस मिलेगा वैसे तो पर ना मैं कॉमर्स लाना चाहता तो मैं कॉमर्स पहले इसलिए कर रहा था, कर था मुझे अकाउंट्स तो कराना नहीं देखो साहब बताऊँ तो वो बेसिक जी लेकर के अकाउंट्स थोड़ा बहुत पढ़ लेगा वो तो मेरा मेन था कि मैथ्स इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी कराऊँ या कंप्यूटिंग मिल जाए तो ये प्रूफ करा दूँ फिर प्र... अभी रुकना है तो मैं जाना नहीं तो मैं किसी को भी ये टू लैम डैक्स है तो ए क्या हो गया अपना बेटा यहाँ पर और बी क्या हो गया बेटा यहाँ पर तो एम वाई टी क्या हो गया मेरे बेटा एम एक्स एट टू लैमडा टी ना अरे बोलो वट इज द एम जी एफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन लैमडा अपॉन लैमडा माइनस टी टी की जगह क्या लिखूंगा अरे ये लिखूंगा ना कि पावर क्या लैमडा कॉमन आके कट रहा है क्या ये वन माइनस टू टी की पावर माइनस अल्फा बच रहा है क्या ये ऐसे लिख सकता हूं इसको रुक जा भाई ऐसे लिख सकता हूं इसको ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ है अरे का स्क्वायर का है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है <laughs> अरे एमजीएफ से भी तो डिस्ट्रीब्यूशन पहचाना जाता है नहीं समझ में आई बात क्योंकि आपको x MGF of x दिया हुआ था तो दिस इज द एम जी एफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन एम जी एफ ऑफ गामा जो कि आपको गिवन था बेटा राइट ना? और गामा से आपको स्क्वायर बनाना था देखो तो आपने बना दिया